संत समाज के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। साथ ही स्वर्वेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। उन्होंने पूरे मंदिर की वास्तुकला समेत अन्य चीजों की जानकारी दी। बताया कि यह महामंदिर विश्व का अद्वैत आध्यात्मिक केंद्र है और 182 फीट ऊंचे और 80,000 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित मंदिर में एक साथ 20 साधक योग और साधना कर सकेंगे। महामंदिर की दीवारों पर स्वर्वेद के दोहे, वेदों के मंत्र और संतों की वाणियों को सफेद मकराना संगमरमर पर उकेरा गया है और 7 तल वाले महामंदिर के हर तल पर सदगुरु की संगमरमर की सुंदर मूर्ति सुसज्जित है और इस महामंदिर धाम के दरवाजे विश्व के सभी वर्ग संप्रदाय के लिए खुले हुए हैं। बता दें कि महामंदिर वाराणसी के उमराहा में स्थित दुनिया का अनोखा मंदिर है और 19 साल तक लगातार 600 कारीगर, 200 मजदूर और 15 इंजीनियर की मेहनत आज महामंदिर के पूर्ण स्वरूप में साकार हो चुकी है। मंदिर का प्रथम तल आम लोगों के लिए खुल गया है और महामंदिर दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जहां देवी और देवता की प्रतिमा नहीं है बल्कि मंदिर में पूजा की जगह ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना की जाएगी। वही गुरु परंपरा को समर्पित इस महामंदिर को योग साधकों की साधना के लिए तैयार किया गया है और 100 करोड़ की लागत से तैयार मंदिर का निर्माण वाराणसी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर उमराहा में दिसंबर 2004 में शुरू हुई थी। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं मीना वसीम और आप देख रहे थे प्रभात खबर.com। विश्वास वही रफ्तार नहीं।